अक्टूबर को पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैद हामिद ने एक शॉकिंग वीडियो शेयर करी। इस वीडियो में दो लोग एक व्यक्ति का दिन दहाड़े बिजी रोड पे मर्डर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां के आसपास के लोग मदद करने की बजाय रोड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वीडियो में एक पुलिस वैन को भी क्रॉस करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जैद हामिद ने लिखा है, इंडिया अंडर हिंदू ज़ियोनिस्ट हैज बिकम अ सैवेज फेसिस स्टेट विद नो लॉ बट मॉब जस्टिस ऑन स्ट्रीट्स ड्रिवन बाय हिंदू ज़ियोलॉट्स। This is Indian city of Jhansi where Hindu mobs are lynching Muslims on street and you can see the police doing nothing in fear of RSS. पर जैद हामिद का जो दावा है कि हिंदू मॉब मुस्लिम को मार रहे हैं वो सरासर गलत है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो हैदराबाद का है और इस वीडियो में जिस व्यक्ति को दिन दहाड़े मारा जा रहा है उसका नाम रमेश है और वो खुद एक हत्या का आरोपी है और बेल पे बाहर था। ये घटना तब की है जब कोर्ट केस की हियरिंग चल रही थी और रमेश कोर्ट से वापस आ रहा था। पिछले साल दिसंबर के महीने में एक हत्याकांड सामने आया था जिसमें महेश गौड़ा नाम के एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है और उसकी बॉडी को जला के मंदिर के पास फेंक दिया गया था। रमेश इसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और जो दो व्यक्ति रमेश को दिन दहाड़े मार रहे होते हैं वो महेश गौड़ा के पिता और चाचा है। और जो पुलिस वैन को गुजरते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में वो भी मिसलीडिंग है क्योंकि पुलिस अपनी व्हीकल को पार्क करके आई थी और उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। ये घटना 26 सितंबर की है और अभी सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है। पर जैसा कि हमेशा होता है ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है कम्युनल मैसेज के साथ।